अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से खाने आया हूँ यहाँ पे इनका टेस्ट उसी तरह का उसी तरह रहा है, और मटेरियल के हिसाब से बाकी मैं अक्सर बंदे जो होते हैं वो डरते हैं कि यार मेरे बच्चों का गला ख़राब ना हो, बाकी आइसक्रीम जो खाते हैं मौसम के हिसाब से मौसम चेंजिंग के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आके हम खा के यकीन माने कि मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होता। पैसे भी कम मुनासिब है, ज़्यादा नहीं लेते, यानी कि लोग लाइनों में लग के यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। और वो मैं तो वैसे आता यानी कि साल में 4-5 दफ़ा ही हूँ यहाँ पे वाकेंड के अंदर, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो इनकी आइसक्रीम पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मेहराब हबीब, आप देख रहे हैं डी फॉर माजा फूड रिव्यू को लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपने शहर वाकेंड असलम मार्केट में मौजूद हूँ। आइसक्रीम तो वैसे सबकी फेवरेट होती है, लेकिन कौन आइसक्रीम की अगर बात की जाए तो उसका कोई सानी नहीं है, वो किसी भी टाइम कभी भी कहीं भी आपको बहुत अच्छी लगती है और आप उसको इन्जॉय करते हैं। और वाकेंड की सबसे फेमस खान कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम जो कि आपने यकीनन बचपन से खाई होगी, बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है। आज इनके ऑनर हमारे साथ मौजूद है, यकीनन आपने इससे पहले इनकी वीडियो किसी नहीं बनाई होगी ना आपने देखी होगी, तो आज इनसे मैंने टाइम लिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप ऑनर कर रहे हैं इसको, आप इसके हेड हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं? तकरीबन कुछ 40-45 साल हो गए हैं। तो आइसक्रीम का काम ही 45 साल से क्यों? बस अल्लाह पाक ने इसमें एक रिस्क लिखा हुआ है हमारे इसी काम में। तो इसके अलावा क्या क्या आपके पास आइसक्रीम के अलावा? आइसक्रीम है, इसके अलावा बस्ती में हमारी एक नई ब्रांच खुली है अभी गोल मार्केट में, हाँ दूसरी ब्रांच भी हमने वहाँ खोली है। मुझे एक बात बताएं कि ऐसी क्या बात है आपकी आइसक्रीम में, कौन आइसक्रीम में आपका रेट भी है ना कि देखा जाए मार्केट में 10-20 रुपए ऊपर ही होता है, लेकिन वो टेस्ट और वो क्वालिटी कहीं और नहीं मिलती? वो बस हमने अपने मियार को जो है ना वो बेहतर रखा हुआ है, हत्ता कि अब दूध जिस तरह महंगे हो गए हैं, बाहर से इम्पोर्ट होता है दूध। अच्छा, आप दूध इस्तेमाल करते हो, बाहर से आते हैं? बाहर से आता है, हॉलैंड का दूध होता है। सही, और क्या क्या चीज़ डालते हैं इसके अंदर? इसके अंदर मटेरियल होता है सारा इम्पोर्टेड होता है, वो कास्ट भी बढ़ जाती है, मगर हमने अपने मियार को नहीं गिराया। प्रॉफिट शरा रेशो तो गिर गई मगर हमने अपने मियार को नहीं गिराया। तो क्या बात है, जो और लोग काम कर रहे हैं कौन कही वो 5-10-15 में भी हो जाता है उनका काम, तो वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? वो एक तो मशीनरी का कमाल होता है कि मशीनें वो लोकल होती हैं, ये हमारी इम्पोर्टेड मशीनें होती हैं, और दूसरा इसका मियार जो है ना, सबसे पहले हमने मियार पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, आपकी वजह से बात है बच्चे भी खाते हैं आइसक्रीम, ये बड़े भी खाते हैं, तो आपको गले का नुकसान किस चीज़ की बीमारी? देखें, बात ये है कि इसमें सही जब मटेरियल डलेगा, दूध अच्छा डलेगा, क्रिस्प नहीं होगी, बर्फ़ नहीं आती, तो इस वजह से गले को कुछ भी नहीं कहता। हमारे यहाँ सर्दियों में यहाँ काफ़ी का काम भी करते हैं, काफ़ी से हमारी कौन की सेल ज़्यादा है, क्योंकि अच्छे लोग जो समझदार लोग हैं वो आइसक्रीम की तासीर तो बेसिकली गर्म होती है, तो लोग इसको एंजॉय करके खाते हैं क्योंकि इससे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, अच्छा, फ्यूचर में कोई और चीज़ लेकर आएंगे यहाँ पर? इंशाल्लाह, असल में जगह की कमी है, वहाँ इंशाल्लाह हम अपने और वैरायटी को और मज़ीद बढ़ा रहे हैं। वहाँ के अलावा से लोग आते हैं सराउंडिंग एरिया से खाने के लिए? जी, एफ्टाबाद से लोग आते हैं हमारे पास। हाँ जी, एफ्टाबाद से तक लोग हमारे पास आइसक्रीम, कामरा से, एफ्टाबाद से स्पेशल आते हैं यहाँ लोग आइसक्रीम खाने। फैमिली के साथ आप आए हुए, खान आइसक्रीम आपको कैसी लगती है? बहुत अच्छी, ये वाकेंड के अंदर की जो सबसे फेमस जो चीज़ है ना वो यहाँ की आइसक्रीम है। तो क्या खास बात लगती है आपको? खाने का आइसक्रीम तो बहुत जगह बिकती है। इनका यानी कि मयार बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मयार इनका अच्छा है। पैसे भी कम मुनासिब है, ज़्यादा नहीं लेते, यानी कि लोग लाइनों में लग के यहाँ से आइसक्रीम खाते हैं। और वो मैं तो वैसे आता यानी कि साल में 4-5 दफ़ा ही हूँ यहाँ पे वाकेंड के अंदर, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना वो इनकी आइसक्रीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। कितने अरसे से आइसक्रीम खा रहे हैं खान कोल्ड ड्रिंक? बच्चे पैदा नहीं हुए थे तो मैं खा रहा हूँ ये। बच्चे पैदा नहीं हुए थे मतलब आपको 20-25 साल हो गए तकरीबन? तो क्योंकि 40-45 साल इनको हो गए काम करते हो ना? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से खाने आया हूँ यहाँ पे इनका टेस्ट उसी तरह का उसी तरह रहा है, और मटेरियल के हिसाब से बाकी मैं अक्सर बंदे जो होते हैं वो डरते हैं कि यार मेरे बच्चों का गला ख़राब ना हो, बाकी आइसक्रीम जो खाते हैं मौसम के हिसाब से मौसम चेंजिंग के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आके हम खा के यकीन माने कि मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं होता। उन्होंने बताया ना कि वो जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो इम्पोर्टेड होती हैं और अच्छी होती हैं? जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, फ्रेश मिल्क होता है इनका, और जो ये जो अपना कलर डालते हैं वो फूड्स कलर डालते हैं, कोई ऐसा फ्लेवर नहीं डालते जिसकी जो मुज़िर हो, तो इसलिए हम दूर दूर से इनके पास खाने के लिए आते हैं। बेटा, आपको कैसे लगता है टेस्ट? बहुत अच्छा लगता है। आपके दांत किधर गए? टूट गए थे। टूट नहीं है आपके दांत। आपको कैसे लगता है टेस्ट? अच्छा। आपके इधर दिखाओ, जरा भाई को कैमरे में दिखाओ, इसके भी दांत गए। ये चूहे ने खाए क्या आइसक्रीम ने खाए? चूहे ने खाए। अब आइसक्रीम आपने नहीं खानी है, खानी है? पैसे कौन देगा? बाबा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने के लिए आइसक्रीम? 50 की। महंगी नहीं है? नहीं, महंगी तो है लेकिन अब लेनी तो है ही है ना। नहीं, लेनी मतलब टेस्ट की क्वालिटी के हिसाब से 50 रुपए हलाल होते हैं?
क्वालिटी के हिसाब से लाल होते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? हसन अब्दाल से। हसन अब्दाल से यहाँ आइसक्रीम खाने के लिए आए? आइसक्रीम खाने के लिए आए हैं। मतलब के लेवल है? लेवल है भैया। बिगिनर आपको आज की इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आएगी, फूड रिव्यू, आइसक्रीम, कौन आइसक्रीम। जब भी असलम मकीट आए तो खान कोल्ड ड्रिंक एंड आइसक्रीम जरूर विजिट करें। यकीनन आपने विजिट किया भी होगा यहाँ पर। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, हमारे लिए दुआ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।